भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। प्लीज वेलकम प्रकृति और सुकृति। थैंक यू सो मच। क्या बात है। सो मच सर। वाओ यार। तुमको देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ताली बजा दो एक बार जोरदार। थैंक यू। हाँ। तो शुरू करते हैं भाभी के बोल प्रीतम बकलौल। कितना सही कहा भाई। जब भी भगवान देता है थप्पड़ फाड़ के देता है। आपने ये सही बोला है क्योंकि हमारी जो बड़ी बहन है वो 9 साल बड़ी है हमसे। हमारे मॉम एंड डैड ने इतना टाइम ले लिया सोचने के लिए। हाँ। फिर भी मेरे प्लान थी। वही तो मेरे को एक्चुअली उन्होंने प्लान किया। ये तो मतलब मुफ्त आ गई है राइट। मैं बड़ी बहन हूँ फॉर एवरीबडी हु डजंट नो। मैं 3 मिनट बड़ी हूँ। 3 मिनट बड़ी। 3 मिनट बड़ी हूँ। पापा ने अच्छा मौसम सेट किया था। हमारे मेले की प्रथा है जो भी यहाँ आता है हम उसे लॉलीपॉप देते हैं आप दोनों के लिए क्योंकि आप स्पेशल हैं। ओके। इसीलिए आपके लिए ट्विन लॉलीपॉप। इसको खाते कैसे हैं? थैंक यू। आई थिंक ये हम सोविनियर यहाँ से लेके जाएंगे। इससे एक्सरसाइज कर लो उसके बाद खा लेना। चलो ओनली फॉर यू प्रीतम। अरे थैंक यू सो मच। वी विल कीप दिस। तुम्हारे कपड़ों के साथ जो है वो मैच भी कर रहा है। परफेक्ट। मेरे कपड़ों के साथ भी कुछ मैच कर रहा है। मैं दे देती हूँ वो तो मैं मैच कर रहा हूँ। लॉलीपॉप की क्या जरूरत है। अच्छा दोनों एक जैसी दिखती हो तो क्या लोग देख करके कंफ्यूज जाते हैं? अब हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं। आई थिंक जितने भी लोग हमारे पास कभी भी हमें मिलते हैं जहाँ पे भी जाते हैं अगर फोटोज के लिए भी आते हैं उनका पहला क्वेश्चन हमेशा होता है आयु सुकृति और आयु प्रकृति। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई मेरे पास आया बोला आयु प्रकृति। दैट नेवर हैपेंड। अच्छा। और अगर मुझे कोई प्रकृति बोलता भी है तो मैं तो फोटो खिंचा लेती हूँ। मेरे को क्या है मैं कहाँ बैठ के थोड़ी ना एक्सप्लेन करूंगी मैं सुकृति हूँ। या फिर अभी कल ही कोई आया था और उन्होंने बोला था आई लव दैट सॉन्ग दैट शी हैज सॉन्ग। पूरी दुनिया ने आप दोनों को देखा है गाते हुए लेकिन घर का काम करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा और हम हमारे शो पे वही दिखाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। कक्कड़ सिस्टर्स बनाएंगी सेव पूरी। तो चलिए खेलते हैं खेल हटके भाभी के झटके। तैयार। किसकी आवाज इंडस्ट्री में एकदम मीठी चटनी जैसा है? श्रेया घोषाल। आई थिंक मेरी बहन ऑल्सो आकृति। यस। आई थिंक उनकी आवाज वो तो जब बात करती है ऐसे लग रहा है गा ही रही है। किसकी तीखी आवाज है? कौन है जिसकी आवाज बहुत तीखी है यार? यू मीन सेक्सी? सुनो वो तुम अपने हिसाब से सोच लो। मैं सोच रही हूँ ना ये तो बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक तीखी आवाज मेरे हिसाब से है नेहा कक्कर की। काफी तीखी आवाज है। जैसे पानी पूरी वाले भैया को कहते हैं कि भैया एक और देना। हाँ तो ऐसा कौन है जिसको देख कर कहता वंस मोर कौन है वो? हमें। हाँ। क्योंकि हम तो ऑलरेडी टू है ना तो वंस मोर तो मिलना ही चाहिए। ट्वाइस। क्या बात है। अरे मैंने बहुत प्यार से बनाई। अरे बस सेफ तो लगाओ सेफ पूरी है ना। सेफ सेफ सेफ। Cheers. See, this is too professional. 1, 2, 3, cheers. 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 Not bad, yeah? मैं आई 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 हाँ तो आना बंद करना। ये कौन है? हेलो आलू कहाँ है? घर में टमाटर भी नहीं है प्याज भी नहीं है धनिया भी नहीं है। ये बताओ किसके साथ मिलके चटनी बना रहे हो? हम सब देख रहे हैं गप्पे कर करके गोलगप्पे खाए जा रहे हो। प्रकृति सुकृति इन्हें बोल दीजिएगा कि सारे बर्तन धोई के घर में लाए। एक भी कम मिला ना तो हम इनको धो डालेंगे। और सुनो रखो यार हमेशा इतने बड़े बड़े लोगों से बेइज्जतियां करती रहती हो। मेरे को तो डर लग रहा है अब एक्चुअली। हाँ, आप प्लीज टमाटर घर ले जाओ सारे। आप ही ले जाओ आपके लिए काटे चटनी। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों ने जो सुना हुआ है सब फालतू बात है कुछ ऐसा नहीं है। मैं से जानता भी नहीं हूँ। जानता भी नहीं हूँ।
थैंक यू सो मच. थैंक यू. ताली बजाते हैं एक बार जोरदार. थैंक यू. आप लोगों के घर में जो है सभी सिंगर्स हैं? पापा के बिना. पापा भी हैं? पापा सिर्फ लिसनर है. हमारी ऑडियंस घर पे सिर्फ पापा है. सिस्टर, मम्मा, आप दोनों सिस्टर्स. माय डॉग आल्सो सिंग्स एक्चुअली. है ना? अरे भाई साहब, बचपन में क्या पानी पिलाते थे कि सूर पिलाते थे? मेरे को पायलट बनना था. मुझे तो सिंगर नहीं बनना था. एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम जब 16 साल के थे तब से शोज कर रहे हैं, तो मतलब पहले तो ऐसे लगता था कि जब हम कॉलेज से निकले थे कि हम बहुत सारी जिंगल्स के लिए गाते थे, बहुत सारी एड्स के लिए गाते थे. तो तब मुझे लगा कि मतलब मज़ा भी आ रहा है, पॉकेट मनी भी बन रही है, इसको करते हैं. और फिर करते 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 पता भी नहीं चला, फुल टाइम जॉब बन गई. एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग. ये लड़कियों के साथ बहुत होता है यार. अच्छा, कॉलेज और फिर मैंने ऐसी शौकिया तौर पर करना शुरू किया? नहीं, ऐसा नहीं था. शौक तो था, बट आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज थी जो हमेशा मुझे इतना खुश करती थी. एंड आई थिंक आई वाज सो लकी कि हमें यू नो बहुत कम एज से हम बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे कंपोजर्स के लिए हमने गाना शुरू किया था. यू नो वी आर लाइक प्रॉपर 90s किड्स जिनको सिर्फ अपना खुद का म्यूजिक करना था, म्यूजिक वीडियोस करने थे एंड एक बैंड बनाना था. आई थिंक वो बैंड कल्चर ज़्यादा इंडिया में नहीं है एंड हमें बचपन से ही करना था. एंड वी आर जस्ट सो हैप्पी एंड सो लकी कि फाइनली हम खुद का म्यूजिक कर रहे हैं. एंड जब जब से वो होना शुरू हुआ, आई थिंक उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. क्या बात है, सुपर यार. भाई एक टिकट में दो काम आ जा. तुम्हारा कोई निकनेम है या तुम्हें मैं अपनी बुला सकता हूँ? नहीं नहीं, I like Sukku more than अपनी. I think Sukku is very cute. Sukku. Sukku is very cute. Sukku, Sukku. नाम मेरा प्रकृति है. निकनेम? Pukku. 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 Hi Pukku, hi Pukku. Pukku, Pukku. But actually explain करो, सुकृति का सुक्कु तो ठीक है. हाँ. प्रकृति का पुक्कु मतलब? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ राइम करना था ना, तो मॉम डैड टाइम नहीं होगा ज्यादा शायद, तो सुक्कु पुक्कु. अरे उनके पास इतना टाइम था, 9 साल लगा दिया उन्होंने. देखो अभी तो बड़े प्यार से बैठी हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं आप दोनों, लेकिन बचपन में तो ऐसी ना होंगी. आपको किसने बोला अभी नहीं होता ये सब? अभी भी? मतलब सिब्लिंग्स तो होता ही है. जिनके भी भाई बहन है उनको पता है कि बहुत लड़ाइयां हैं. भाई बहन तक ठीक है, हम काम भी एक साथ करते हैं ना. हाँ. तो क्रिएटिव डिफरेंसेस अलग होते हैं. तो बाल नोचते थे एक दूसरे के? अभी तो ठीक लग रहे बाल? नहीं आज नहीं कर सकते. यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हम दूसरी वाली फाइटिंग करते हैं. हम मतलब ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप पे वो सब. ऐसी वाली फाइटिंग नहीं होती हमारी. हमारी कोल्ड वॉर वाली फाइटिंग. अच्छा, एक दूसरे को फोन पे ब्लॉक करते हो? कौन से एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ काम करना बिल्कुल पागल हो रही हो? प्रीतम दा. नॉट यू. नॉट यू. आई थिंक प्रीतम दा इज आवर फेवरेट. आई थिंक रहमान सर, उनके सब गाने पता है, बट उनके साथ कभी हमने गाया नहीं है. तो आई थिंक दैट एवरी म्यूजिशियन की टॉप लिस्ट में तो होता ही है. हमारा भी ड्रीम है. मम्मी से कंफ्यूजन आया है कभी कि प्रकृति को खिलाना और सुकृति को खिला दिया? बचपन में एक डायरी मेंटेन होती थी. अच्छा. एंड वन ऑफ अस हैड टू वेयर अ काला धागा. मेरे को बहुत मुझे आई वाज ऑलवेज डबल फेड फॉर सम रीजन. एंड जब प्रकृति पैदा हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी, मैं एकदम झुर्रियों के साथ पैदा हुई थी, क्योंकि सुक्कू ने मुझे बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं दिया था अंदर. और सुक्कू एकदम प्रॉपर यू नो लाइक अ हट्टा कट्टा बच्चा. अच्छा, पंजाबी वाला बच्चा, लाइक क्यूट. सब लोग इसको आगे कडल करते थे एंड मुझे कोई भी कडल नहीं करता था. बेबो, बेबी, मेरा बच्चा, मैं मसाज करूंगा. No, it's okay. जो भी प्रॉब्लम, जो भी झुरियां हैं मैं लगा लूंगा. ओ बेबी. ये मैंने क्या बोल दिया यार? यार तुम दोनों के कपड़े जो हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, और तुम दोनों माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हो यार. थैंक यू यार, बहुत कमाल. जस्ट फॉर यू. मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? बहुत ही अच्छे. और इतने ज्यादा कलरफुल नहीं है हमारे जैसे, बट वेरी नाइस. क्योंकि आपका मेला इतना कलरफुल है ना, तो हम ब्लैक एंड ब्राउन कैसे पहन सकते थे पता है? वैसे तुम्हें पता है कि मेरा ये जो सूट है ये कौन से मटेरियल का बना है? टच करो, छू के देखो. तुम भी टच कर सकती हो. ये तो कॉटन में देख के बता सकते हो. कट ना, टच हो ना बेबी. कॉटन या इट्स कॉटन, इट्स बॉयफ्रेंड मटेरियल. लेकिन अब
समय आ गया है एक दूसरे की पोल खोलने का। Are we ready? We are a team, हाँ just. No 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 team नहीं solo solo चलना है। अच्छा। हाँ। प्रकृति तुमसे start करते हैं। दोनों में सबसे ज़्यादा आलसी कौन है? A little bit. Really? हाँ। कितनी आलसी? आलसी? किस हद तक के आलसी हो? कि मतलब अगर meeting 12 बजे है तो मैं 12 बजे शायद कभी-कभी उठ भी सकती हूँ। दोनों में से फर्ज करो, फर्ज इमेजिन करो किसी को भाग के शादी करनी हो तो कौन करेगा? रियली मेरी लाइफ की ड्रीम है, मुझे ऐसा कुछ करना है। क्या बात कर रही हो? मॉम डैड को भी बोलती रहती कि मुझे कुछ ऐसा ड्रामेटिक करना है। सही बात है, कुछ यू नो नया स्टैंडर्ड सेट करना होना चाहिए। मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में बहुत मदद करता हूं। अरे यार अब भाई हो मेरे यार, तो भाई तो हेल्प करेगा। कौन भाई? भाई तो हेल्प करेगा। कौन सबसे ज्यादा झगड़ालू है? पहली बार दोनों बहनों ने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई है। खुद से कौन झगड़ा करता है? अब बताओ सच्चाई। देखो ये बहुत झगड़ा करती है, मैं इरिटेट जल्दी हो जाती हूँ, बट प्रकृति जो चीजें बोलती है ना उसका कोई फिल्टर ही नहीं है। तो समटाइम्स वो ऐसे कुछ बोल रही है, How can you say that? अच्छा। वो मैं बहुत टाइम लेती हूँ ट्रिगर होने के लिए, पर जब हो जाती हूँ तो फिर मैं अपना खुद का अच्छा सा स्वीट सा टाइम लेके वापस ठीक से बात करती हूँ। ऑलराइट, ऑन दैट नोट ये गेम भी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप दोनों के लिए एक बहुत बढ़िया और अच्छा सरप्राइज, एक सरप्राइज दिखाओ। दिखाओ के बारे में एक अच्छी चीज बताइए। ओह गॉड, बड़ी बहन से पूछोगे तो एक तो बहुत डिफिकल्ट है ना बोलना, बायस तो नेचुरल है। मैं जितना उन दोनों के लिए जितना प्यार करती हूँ उन्हें, उतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉर देयर प्रेजेंस इन माय लाइफ, कि वो मेरी बहनें हैं। और पहले तो मैं उनकी एक सेकंड माँ के जैसी थी। आई एम नॉट श्योर उनको वो पार्ट मेरा, वो रूप मेरा अच्छा लगता था कि नहीं, बट उनसे रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जिसमें अगर मुझे पता चल गया कि वो खुश नहीं है तो मुझे नहीं पता उनका इतना खून खौलता था कि नहीं, पर मेरा खून बहुत खौलता था। और मैं जितना शायद अपने लिए बड़े बड़े सपने नहीं देखती हूँ, मैं उनके लिए देखती हूँ। और मुझे इतनी खुशी होती है देखते हुए कि वो दोनों इतनी मेहनत करके अपने बलबूते पे पूरी फैमिली का नाम रोशन कर रही हैं। Thank you so much. मतलब I like every time I hear like you know मैं यही बोल रही थी, जब भी दीदी को हम बात करते हुए सुनते हैं it's so beautiful, and हम जब chill करते हैं और hang out करते हैं तो ये सारी चीजें कभी सुनने के लिए मिलती नहीं है। So you know it's just so special and for us she's everything. Wow. वो बोलते हैं ना कि अगर भगवान ने आपको sisters दिए then you don't need best friends. And three of us are the best of friends. Yeah. And thank you so much. ये बहुत 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 ही cute surprise. Thank you. क्या बात है, क्या बात है. देखिए हम सिर्फ मस्ती नहीं करते हैं, हम रुला भी दिया, थोड़ा दिया. अरे रो दिया तुमने. Yeah, very emotional. दीदी को लेके I'm very 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 emotional. चलिए आपके चेहरे पर वो मुस्कान तो लौटी, वो सादगी तो लौटी, वरना आपको लग रहा प्रीतम क्या है यार, मतलब जब से आए तब से मतलब टांगी खींच रहा है. अरे नमस्ते. अरे आप कौन है? हाय कौन है आप? अरे यार सिंगर हैं अंतरायन मुखड़ा. अरे ये हमारा मुखड़ा है इसलिए मुखड़ा लिखा है, और ये अंतरा जी हमारे दिल में रहती हैं इसलिए अंतरा लिखा है. हेलो जी, मैं हूँ फुसरत अली खान. ओके. तो बड़े बड़े खानदानों को सिखाते हैं, जैसे कि मीका को सिखाया, किलेर को सिखाया, टोनी को सिखाया, सोनू को सिखाया. अच्छा नेहा क्यों नहीं सिखाया? नेहा को सिखाने गए थे वो रोने लग पड़ी, तो हमने कहा ये सिंगर नहीं सीधा जज बनेंगी. हमने उदित जी को भी सिखाया, उनके परिवार को खानदान को भी सिखाने गए, लेकिन फिर हम वापस आ गए. क्यों? अरे हम गए वो ऐसे ऐसे करने लगे तो हम वापस आ गए. आप देख लो आज एंकरिंग कर रहे आदित्य नारायण. आप इतने बड़े सिंगर है तो बताइए कुछ नमूना पेश कीजिए, कुछ बताइए. अरे यार हम तो बस गाड़ी में बैठ के घर जाते हैं. तो म्यूजिक कहाँ है? म्यूजिक गाड़ी में है ना, वही सुनते सुनते तो हम घर जाते हैं. मेरा कहने का मतलब है आपको सुरताल के बारे में कुछ पता है? सुरताल के बारे में किसको नहीं पता,
सुर में लकी अली जी थे और ताल में अक्षय खन्ना। देखो आकृति, ये झूठा आदमी है, ये कोई सिंगर विंगर नहीं है। अरे हम झूठे आदमी नहीं है, लगता है आपको गाने के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं। हमें गाने के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें बजाने के बारे में बहुत अच्छा पता है। ओके। अब तुम्हारा अंतरा मुखड़ा बेटा सब सुझा देंगे। देखो अंतरा गिर चुकी है सुकु बुकु, अभी आप हैं अब से हमारे दिल में। अंतरा तो यहीं छोड़ गए। हाँ, मुखड़ा तोड़ दिया ना उसका मैंने। अच्छा। हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में आपके बहुत फैंस हैं। तो ऑन दैट नोट, कोई आपका इंतजार कर रहा है और आपसे लाइव जुड़ना चाह रहा है थ्रू वीडियो कॉल। अब आगे देखिए फैंस का मेला, बातों का खेला। वाओ। जी हेलो, हाय। हेलो हेलो प्रीतम सर। हेलो, मैं आर्यन सिंह यादव बोल रहा हूँ फ्रॉम मुंबई। हाय। मैं खूबसूरत का बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। जब भी आप दोनों को देखता हूँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि प्रकृति कौन है, सुकृति कौन है। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हम भी आज कंफ्यूज लगते हैं, इतने सिमिलर हो। मैं आप दोनों को कैसे पहचानूं, लाइक वो क्या चीज है जिससे मैं आप डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? तो आई एक्चुअली थोड़ा जूम हो सकता है यहाँ पे। मेरे यहाँ पे छोटा सा एक ब्यूटी स्पॉट है। ब्यूटी स्पॉट है, मॉल नहीं, ब्यूटी स्पॉट। और मैं बस यही है। और आई थिंक देखा ना, मैंने तो गौर नहीं किया। इतना करीब आके देखना पड़ेगा। मेरी हाइट थोड़ी छोटी है प्रकृति से। तो क्या बात कर रही हो, ऐसा हील्स में नहीं पता चलता, बट अदरवाइज थोड़ी सी मैं छोटी हूँ, बट I'm elder, so it's okay. चलिए, thank you so much. Thank you for joining. Thank you. Bye. Thanks, ma'am. Thanks. Thank you. Thank you. Bye. Ha, on that note. Thank you so much. Thank you. Thank you for having us. Thank you so much. Thank you. और बहुत बढ़िया गाने गाए। ये gift आपके लिए from Bunai. इसका जो हैम्पर है बुनाई की तरफ से आपको दिया जाता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उम्मीद है आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना कि हमें आया। कल भी फिर आना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आ जाइएगा। शो का नाम है भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। गले लग जाता है इस बात पे तो। ओनली ऑन इशारा टीवी। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.